नमस्कार दोस्तों, लर्नो लाइक एक्स वाई जेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम रूल ऑफ बोर्ड मास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम जो रूल ऑफ बोर्ड मास है, जो बोर्ड मास का नियम है, जो हमारे बेसिक क्लासों में और जो कंपटीशन लेवल की सभी प्रतियोगी क्लास होती हैं, उन सभी में काम आता है। तो यहाँ पर हम रूल ऑफ बोर्ड मास के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास साइन बी है। यहाँ पर बी ओ डी एम ए एस, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं। बी का मतलब होता है दोस्तों ब्रैकेट, जिसे कोष्टक बोलते हैं। ओ का मतलब होता है ओव का। डी का मतलब होता है डिवीजन। एम मल्टीप्लीकेशन, ए एडिशन, एस सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हमारे पास कोई इक्वेशन होती है या ऐसी इक्वेशन जिसमें मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, ये चारों ऑपरेशन जब एक साथ आ जाती है, तो हम यहाँ पर उस समीकरण को सोल्व करने के लिए, उस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए बोर्ड मास रूल यूज में लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि हमारे पास कोई भी इक्वेशन है इस प्रकार की, तो उससे सोल्व हम किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले उस इक्वेशन में हम कोष्टक को सोल्व करते हैं, अर्थात बिफोर ब्रैकेट कोष्टक को सोल्व करते हैं। और कोष्टक में भी हम सबसे पहले, यहाँ पर तीन प्रकार के कोष्टक होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। उसमें सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट छोटे कोष्टक को सोल्व करते हैं, उसके पश्चात कर्ली ब्रैकेट मध्यम कोष्टक को सोल्व करते हैं, उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट बड़े कोष्टक को सोल्व करते हैं, फिर उसके बाद में हम ओफ अर्थात पावर घात या परसेंट को सोल्व करते हैं, फिर उसके बाद में हम डिविजन भाग को सोल्व करते हैं, उसके पश्चात मल्टीप्लीकेशन गुणा वाली टर्म्स को सोल्व करते हैं, उसके बाद में एडिशन जोड़ वाली टर्म्स को सोल्व करते हैं, उसके बाद में सब्ट्रैक्शन को सोल्व करते हैं। और इस प्रकार से हम इस प्रकार की इक्वेशन जो होती है उनको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं एग्जांपल, इसको हम एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है सोल्व दैट 11 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 13 प्लस 18 माइनस 11 माइनस 5। और इस प्रकार से हमारी एक इक्वेशन है, इसको हमें सिंपलीफाई करना है। इस क्वेश्चन को हमें सिंपलीफाई करना है, तो इसको सिंपलीफाई हम किस प्रकार से करते हैं देखते हैं। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हमारे पास यहाँ पर प्लस माइनस, हमारे पास प्लस माइनस और मल्टीप्लाई के आदि जो साइन दे रखे हैं, इनको हम बोर्ड मास रूल से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हमें सोल्व करते हैं बोर्ड मास अर्थात ब्रैकेट। सबसे पहले बी फोर यहाँ पर ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, और ब्रैकेट में हम सबसे पहले छोटे कोष्टक को सोल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले छोटे कोष्टक अर्थात 18 माइनस 11 माइनस 5, इसको सोल्व करेंगे। इस कोष्टक के अंदर वाली टर्म्स को सोल्व करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन हम इस प्रकार से लिखेंगे 11 माइनस 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर ब्रैकेट्स 1 प्लस कर्ली ब्रैकेट 13 प्लस, यहाँ पर अब हम इस स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, तब स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 18 माइनस 11 माइनस 5 हमारे आते हैं 16, 18 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे आ जाएंगे प्लस के 2, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट और फिर स्क्वायर ब्रैकेट। फिर आगे हम क्या करते हैं कि 11 माइनस 5 करते हैं तो 6 मल्टीप्लाई, उसके बाद में हम क्या करेंगे, हमने छोटे कोष्टक को सोल्व कर लिया, उसके बाद में हम मध्यम कोष्टक कर्ली ब्रैकेट को सोल्व करते हैं 1 प्लस कर्ली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 13 प्लस 2 अर्थात इस वाली टर्म्स को सोल्व करते हैं 15, और लास्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट को सोल्व करेंगे
तो स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो 6 मल्टीप्लाई 15 प्लस 1 16 और लास्ट में हमारे पास एक साइन बचा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे देन 96। तो इस प्रकार से हमारा इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 96। देन जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको सॉल्व करते हैं। 360 डिवाइड 36 डिवाइड 6 डिवाइड 1 डिवाइड 5 इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि इसे हमें बाएं से दाएं करना है या फिर दाएं से बाएं करना है। इस प्रकार की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इस इक्वेशन को बाएं से दाएं तरफ सॉल्व करते हैं, अर्थात बाईं ओर से दाईं तरफ की ओर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि 360 में यहाँ पर हम 36 का डिवाइड कर देते हैं, तब यहाँ पर 360 भाग 36, तो 360 में हम 36 का भाग देंगे तो हमारा आएगा 10, फिर उसके बाद में डिवाइड 6 डिवाइड 1 डिवाइड 5, 10 डिवाइड 6 करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 10/6 डिवाइड 1 डिवाइड 5 इक्वल्स टू 10/6 को 10/6 में जब हम 1 से डिवाइड करते हैं देन 10/6 को 1 से डिवाइड करेंगे 10/6 डिवाइड बाय 5। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास नंबर 5 से डिवाइड में है इसलिए इसको मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए इसका रिवर्स कर देते हैं। 10/6 से इसको हम लिख सकते हैं, यदि डिवाइड के साइन के स्थान पर हम मल्टीप्लाई लेते हैं देन 5 को हम इस प्रकार से लिखते हैं 1/5। 5 2 10 6 इसका आंसर इस प्रकार से हमारे पास 1/3 प्राप्त होता है। एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें कोष्टक ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो 6 डिवाइड 2 इस ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं तब 12 प्लस 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 6 में हम डिवाइड करते हैं 2 से 3, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर प्लस माइनस और गुणा तीन साइन है, तब हम उसके बाद में हमारा आता है ऑफ के बाद में आता है डिवीजन। हमारे पास यहाँ पर डिवीजन नहीं है, डिवीजन के बाद आता है मल्टीप्लिकेशन, तब हम गुणा को सॉल्व करते हैं तब 12 प्लस 2 माइनस 3 सा 9 सबसे उसके बाद हम गुणा को सोल्व करते हैं, उसके बाद में मल्टीप्लीकेशन के बाद में हम एडिशन को सोल्व करते हैं तो हमारे यहाँ पर 12 प्लस 2 14 माइनस 9 देन 5 आंसर, तब हमारा यहाँ पर आंसर 5 आता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फोर्थ एग्जांपल। फोर्थ एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ब्रैकेट अर्थात सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तब 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड करली ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइड इसको सॉल्व करेंगे स्मॉल ब्रैकेट को, तब सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमारे पास दो साइन है प्लस एंड डिवाइड, एडिशन एंड डिवीजन, इन दोनों में से सबसे पहले हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे, तब डिवीजन को हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2, 1 डिवाइड 2 को हम लिख सकते हैं 1/2, 1 प्लस 1/2 हमारे पास आ जाएंगे 3/2,
थ्री बाई टू करली ब्रैकेट है और फिर स्क्वायर ब्रैकेट, इसको हम आगे सोल्व करते हैं। देन वन डिवाइड, हमने स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व किया, उसके बाद में हम करली ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। वन प्लस वन डिवाइड, अब इस करली ब्रैकेट को हम सोल्व करते हैं, तो इस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे। अब करली ब्रैकेट जो है हमारा ये वाली टर्म्स है, अब करली ब्रैकेट में इस वाली टर्म्स में हम देखते हैं कि यहाँ पर दो साइन हमारे पास डिवाइड एंड एडिशन का है, तो सबसे पहले डिवाइड और एडिशन में हम डिवाइड को सोल्व करते हैं। वन प्लस, अब वन में हम जब 3 बाई टू से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी भी संख्या में जब यहाँ पर 3 बटा 2 बटा में है, इसलिए इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई के साइन में बदल लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई साइन में बदलने के लिए इसको हम उल्टा लिख देते हैं, इसको हम लिख देंगे रिवर्स में, अर्थात भाग की जगह हम गुणा का चिन्ह लगा देते हैं और 3 बटा 2 को हम उल्टा करके लिख देते हैं, अर्थात 2 बटा 3। वन डिवाइड, वन प्लस वन डिवाइड, अब यहाँ पर हमारे पास टू साइन है, एक मल्टीप्लाई का और एक डिवाइड का। हमें पता है डिवाइड डिवीजन के बाद हम भाग के बाद हम गुणा को सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले 2/3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3, अब 2/3 में प्लस 1 ऐड करते हैं, तो 2/3 में 1 ऐड करेंगे तो 5/3। इस प्रकार से हमने कर्ली ब्रैकेट को सोल्व किया। अब आगे की टर्म्स हम क्या करते हैं, उसके बाद में हम सबसे लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। यहाँ पर हम वन डिवाइड, अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास दो साइन प्लस और भाग अर्थात एडिशन एंड डिवीजन का है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिवीजन को सोल्व करेंगे। वन प्लस, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि वन डिवीजन, अब हमें पता है कि यहाँ पर 5/3 है और यहाँ पर हमारे पास भाग का चिन्ह है, इस भाग के चिन्ह को हम गुणा के चिन्ह में परिवर्तन करते हैं और गुणा के चिन्ह में परिवर्तन करने के लिए 5/3 को हम उल्टा करके लिख देते हैं, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं भाग की जगह हम लगाएंगे गुणा का चिन्ह। 5/3 को हम लिख देंगे 3/5। वन डिवाइड, अब यहाँ पर हमारे पास प्लस और मल्टीप्लाई दो साइन है, अब यहाँ पर हमें पता है कि डिवीजन के बाद हम मल्टीप्लाई को सोल्व करते हैं, तो 3/5 को मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 3/5 1, इसलिए लिख सकते हैं प्लस 1 को मल्टीप्लाई 3/5 से 3/5। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अब अभी हमारी प्रोसेस ये है, हमारा टारगेट ये है कि हमें इस स्क्वायर ब्रैकेट को सोल्व करना है और स्क्वायर ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए हम सोल्व करते हैं 1+3/5 को, 1+3/5 को हम सोल्व करते हैं, तब यहाँ से हम 1 में 3/5 जोड़ते हैं 8/5। अब यहाँ पर हम 1 को डिवाइड करते हैं 8/5 से, 1 को डिवाइड करेंगे 8/5 से, तब हम यहाँ पर इस डिवाइड के साइन को गुणा में बदलेंगे और इस भाग के चिन्ह को गुणा में बदलने के लिए इस 8/5 को हम रिवर्स करके लिख देते हैं, उल्टा करके लिख देते हैं, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 1 × 5/8 और इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा 5/8। तो आप सभी को धन्यवाद दोस्तों, इस प्रकार से अगली नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।